अच्छा देखिए, मैं डॉक्टर सीपी सिंह लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, कोटा से आया हूँ। और जो आपने सवाल पूछा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आपस में एक तो चर्चा करें कि कौन क्या काम कर रहा है, किस लेवल की उसके पास स्किल है। और जब ये कॉन्फ्रेंस हनुमानगढ़ में रखी गई एसोसिएशन द्वारा, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे जगह हम टूवर्ड्स दी विलेज या टूवर्ड्स दी टाउन, जो कि इन सब विधियों से अभी तक वेल अवेयर नहीं है, जो नई तकनीक आई है उन तक खबर नहीं है, ये सोचकर यहाँ रखी गई। और डॉक्टर एमपी शर्मा ने इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। हम सर्जन्स ने, जो नए सर्जन्स आए हैं, जो हमसे पढ़ के ज़्यादा आए हैं, उन्होंने अपना काम प्रदर्शित किया। जिन सर्जन्स के पास अनुभव है उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। अनुभव और ज्ञान, किताबी ज्ञान या अनुभव और जानकारी जब आपस में मिली, तो ये अवेयरनेस हनुमानगढ़ या इसके आसपास के गाँव को मिली। जो काम जयपुर में हो रहा है वही काम हनुमानगढ़ में भी हो रहा है, यहाँ के डॉक्टर्स ने हमें बताया। तो जो सुविधा राज्य सरकार ने जयपुर में दे रखी है, लाइक चिरंजीवी योजना या RGHS योजना, वो हनुमानगढ़ में भी उपलब्ध है। उस योजना के तहत जो दूरबीन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं या जो सर्जन ऑपरेट कर रहे हैं ओपन सर्जरी, वो यहाँ भी उपलब्ध है। हाँ, कुछ जटिल ऑपरेशंस के बारे में चर्चा हुई, कुछ जटिल सर्जरी के बारे में चर्चा हुई। तो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का उद्देश्य जो होता है आपसी सामंजस्य, इसको मैं एक शब्द में कहूँ तो इट इज़ कॉल्ड ए कुलीगोग्राफी। जैसे आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, हम इसे कुलीगोग्राफी कहें कि मेरा साथी, मेरा जूनियर, मेरा सीनियर किस काम को किस तरह से कर रहा है। वर्ल्ड एसोसिएशन की क्या गाइडलाइंस हैं, किसी भी एसोसिएशन में हमारे देश की गाइडलाइन और संसार की उस सर्जरी के लिए गाइडलाइन क्या हैं, हमें क्या फॉलो करनी चाहिए, हम उसमें कितने पारंगत हैं, जो सुविधा हम यहाँ दे सकते हैं उसका असेसमेंट करना चाहिए, ऑडिट हो जाती है। और इन्हीं सबों का जहाँ पे जब मिलान होता है तो सभी को खुशी मिलती है। सबसे बड़ा काम होता है जब हम आपस में मिलते हैं तो खुशी मिलती है। यहाँ डॉक्टर दीपक मित्रा सैनी से जब मैं मिला तो हम दोनों रूम पार्टनर इतने सालों बाद मिले, तो उस खुशी की कोई परंगत, मतलब कोई व्याख्या ही नहीं कर सकते। तो वो जो सर्जरी कर रहे हैं और मैं जो सर्जरी कर रहा हूँ, हम दोनों ने आपस में डिस्कस किया, प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कॉन्फ्रेंसेस में इसीलिए आते हैं कि हम अपने जानकारी और स्किल और ज्ञान को आदान प्रदान करें, खुशी महसूस करें और साथ ही साथ ये जान लें कि मैं किसी से पीछे नहीं हूँ। हनुमानगढ़ के डॉक्टर्स ने जब अपने काम को प्रदर्शित किया तो ये जानकर मुझे, जो कि अपनी सर्जरी को देश पर भी प्रदर्शित कर चुका है, बहुत खुशी हुई कि हनुमानगढ़ दिल्ली या जयपुर या किसी भी राजधानी से पीछे नहीं है। वो वही सब काम कर रहा है, पर हाँ, हो सकता है उसकी मार्केटिंग उतनी ना हो रही हो। सो वी आर लोकल बट ग्लोबल, दिस इज़ द मैसेज। हनुमानगढ़ लोकल है पर संसार में जो हो रहा है वो यहाँ जानकारी उपलब्ध है। धन्यवाद। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। मैं अभी ऐसीराज कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, जो कि 2022 का कॉन्फ्रेंस है। ये हर साल होता है और राजस्थान में हर साल किसी न किसी शहर में होता है, इस बार हनुमानगढ़ में हो रहा है। हनुमानगढ़ में ये शायद पहली बार ही हो रही है कॉन्फ्रेंस, और ये कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़रूरी है, ये सर्जरी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है। इसमें जितने भी जनरल सर्जरी के अंदर जो ऑपरेशन आते हैं, जितने भी पेट की गिठान हो गई, पेट में पथरी हो गई, पथरी से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन हैं, आँतों से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन हैं, छाती से रिलेटेड चोट, गंभीर चोट लगने पे जो ऑपरेशन होते हैं, ये सारे ऑपरेशन इस कॉन्फ्रेंस में जो है इंक्लूड होते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में ये सब बताया गया है, ऐसी सर्जरीज भी बताई गई हैं जो हनुमानगढ़ में शायद तक नहीं भी हो रही हैं। तो उससे बेनिफिट ये है कि एक तो जो यहाँ के सर्जन्स हैं जो हनुमानगढ़ में जो सर्जरीज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, उनको इस इन सर्जरीज के बारे में अवगत करा के और इन सर्जरीज के बारे में बता के आगे वाले आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि ये जो डिफ़िकल्ट सर्जरीज हैं, जो जिसके लिए जयपुर जाया जाता है या दिल्ली जाया जाता है या PGI चंडीगढ़ भेजा जाता है, वो हो सकता है ना भेजना पड़े और सीधे धीरे धीरे हनुमानगढ़ में ही हो पाए।
इसका बेनिफिट यहाँ के लोकल सर्जन्स को तो है ही, साथ के साथ में आम जनता को भी है। आम जनता को ये बेनिफिट है कि इसके लिए पूरे परिवार के साथ में या चार पांच जनों के साथ में इतने दिन के लिए आप किसी और शहर में रुकें, उससे बेटर है कि वो सारी सर्जरी जो है वो यहीं पर ही उपलब्ध होने लगे। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा इस कॉन्फ्रेंस के बाद अचानक से हो जाएगा, ये एक पहला स्टेप है। ऐसे और धीरे 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 बढ़ के लोग जो हैं, लोगों को बेनिफिट मिलने लगेगा इसका कि सारी सर्जरीज और सर्जरी के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनके लिए हमें बाहर भेजना पड़ता है वो भी नहीं भेजना पड़े, सब कुछ यहीं पे मैनेज होता है। तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी जो है फ़ायदेमंद है और बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस रही। सारा कुछ इसमें अच्छे से डिस्कस हुआ है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताया गया है, तो मेरे ख्याल से ये एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस मानी जाएगी। मैं डॉक्टर मोहित कुमार बड़गुजर, मैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सर्जरी डिपार्टमेंट। मैं डॉक्टर एम पी शर्मा, सेक्रेटरी ASI राजस्थान, एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस है जिसमें पूरे भारत से और राजस्थान के बड़े बड़े सर्जन्स आए हैं और हम ये तकनीक जो लेटेस्ट नई नई क्या तकनीकें हैं उसके बारे में बात हम कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। यहाँ भी जो सर्जन है वो सारे काम कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे बेटर फैसिलिटी है, ज़्यादा टीम है, मेडिकल कॉलेज में सारी चीज़ें होती हैं। तो उनसे हमने ये एक टू वे डिस्कशन था भी क्या नया नया आ रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, और उस के लिए किसी मरीज़ को हनुमानगढ़ से जयपुर या बीकानेर या कहीं और ना जाना पड़े, इन सब के लिए हमने उन हमारे जो विशेषज्ञ हैं, हमारे जो टीचर्स रहे हैं, उन सबको जो एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको यहाँ बुलाया था। तो जिसमें मैं खास तौर पर नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर दुभाषी आल इंडिया इंस्टीट्यूट नागपुर से आए थे, डॉक्टर राजेश बवरानी इंटरनेशनल नेम है वो आए, SMS की पूरी टीम, जैनब सर, प्रभा मैडम, शालू गुप्ता और भवनलाल यादव, और हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर कर्ण सिंह यादव जो बहुत बड़े सर्जन, कार्डियोथोरेसिक सर्जन रहे हैं, SMS हॉस्पिटल के अधीक्षक रहे हैं और पूर्व MP वो रहे हैं। तो हम सब लोग मिल गए, ये समारोह आदान प्रदान, इसमें दो विषय और भी रखे थे गायनी वालों के, तो सारे गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे हैं कि वो लोग क्या फील करते हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जो एक तरह का आदान प्रदान एक दूसरे को करें, उससे ज्ञान भी बढ़ता है और करने में आसानी भी रहती है, और किस तरह से करेंगे तो वो चीज़ें हम यहाँ पे उपलब्ध करवा पाएंगे। छोटी जगह पे ऐसी कॉन्फ्रेंस होना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है क्योंकि टीम कम होती है, जगह ही नहीं होती है, लेकिन हमने मैनेज किया किसी तरीके से। मेरी टीम शानदार, सारे मेरे साथ संदीप बाखर, विजय शर्मा, TK शर्मा और चावला साहब, और सबसे बड़े जैन साहब, पारस जैन जी, राजीव मुंजाल, और बहुत सारे नाम जो मैं नहीं ले रहा हूँ। ये कॉन्फ्रेंस थी हमारी और हम कोशिश करेंगे, हमें विश्वास, मुझे विश्वास है कि हमें ज़रूर इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा और हम आगे भी करेंगे। थैंक यू। हनुमानगढ़ में गंगानगर में सर्जरी की स्टेट लेवल की पहली कॉन्फ्रेंस हुई है, और इससे पहले 2010 में पारस जैन साहब ने मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस कराई थी। अब अपन बात करें तो स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस 12 साल के पीरियड के बाद में आई है, सर्जरी की तो पहली कॉन्फ्रेंस है ये हनुमानगढ़ में, गंगानगर में और दोनों मिला कहीं नहीं हुई है। थैंक यू।